उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैम, वी आर फाइन। गुड। मे आई कम इन टीचर? यस सुहानी, व्हाई आर यू लेट? आज तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? मेरी गाय को बछड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई मैम। अच्छा, तुम्हारे घर में काऊ है? यस मैम, मेरे घर तो एक भैंस भी है। अच्छा बताइए, भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? मैम आप बताइए। बफलो। से एवरीवन, बफलो। और कितने एनिमल्स के नाम आप इंग्लिश में जानते हो? नाम कैट, डॉग, गोट। मैम मेरे पड़ोस के भैया के पास घोड़ा है, वो तो टांगा चलाते हैं। ओह, वह टांगा चलाते हैं। मैम मैंने मेले में कालू मदारी और उनका बंदर देखा था। यस मंकी। मंकी मेले में क्या कर रहा था? मंकी मेले में डांस कर रहा था और बनाना खा रहा था। मैम और कौन से एनिमल्स होते हैं? आज हम सब मिलकर एक स्टोरी सुनते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। यस मैम। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते थे। उस फॉरेस्ट में एक छोटा सा रैबिट भी रहता था, उसका नाम बनी था। एक दिन फॉरेस्ट में बहुत जोर से आंधी आई। फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल रहता था? रैबिट, खरगोश। यस रैबिट। रैबिट आंधी और तूफान की आवाज से घबरा गया और कोकोनट ट्री के नीचे छिपकर बैठ गया। कोकोनट ट्री जिसमें बहुत सारे नारियल लगे थे, तो रैबिट कौन सी ट्री के नीचे छिप गया? कोकोनट ट्री। यस रैबिट कोकोनट ट्री के नीचे छिप गया और वहीं सो गया। अचानक आई तेज आवाज से रैबिट की आंख खुली। रैबिट को लगा कि आसमान गिर रहा है। अरे अरे, द स्काई इज फॉलिंग, स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। रन रन, जल्दी भागो। रैबिट भागने लगा। भागते भागते ही मेट अ डियर। डियर ने पूछा, अरे ओ रैबिट, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? हिरण भाई, मुझे मत रोको। रन रन, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर डियर भी रैबिट के साथ भागने लगा।
Then they met a bear. Achha, bhalu. Yes, bear. Bear black color ka hota hai. Bear ne deer se pucha. अरे तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? अरे तुम भी भागो. Run, run. The sky is falling. Sky is falling. Hearing this, the bear ran after the deer and the rabbit. तो बेर किसके साथ भागने लगा? Deer and rabbit के साथ भाग. Good. भागते भागते उन्हें एक एलिफेंट मिला. कौन मिला? एलिफेंट. यस, एलिफेंट. यह भी रैबिट, डियर और बेर के साथ भागने लगा. इस प्रकार भागते भागते उन्हें जंगल का किंग लायन मिला. लायन ने हैरानी से पूछा, व्हाई आर यू ऑल रनिंग? तुम सब कहां भागे चले जा रहे हो? माय डियर किंग, हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं. आप भी भागो. स्काई इज फॉलिंग. हु टोल्ड यू दिस? मुझे बेर ने बताया. मुझे डियर ने बताया. मैंने तो रैबिट को भागते देखा. मैं कोकोनट ट्री के नीचे सो रहा था कि तभी आसमान गिरा और मैं वहां से भाग निकला. चलो सभी वहां चल कर देखते हैं. सभी ने उस पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि वहां एक कोकोनट गिरा है. तभी एक और कोकोनट गिरा. स्काई इज फॉलिंग. स्काई इज फॉलिंग. रन रन. अरे बुद्धू, ये तो कोकोनट है. स्काई भी गिरता है? नो मैम. तो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी? यस मैम. आइए हम एक पोएम रिसाइट करते हैं. लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम. ढोल बजाता मेढक आया, डम डम डम. मेढक ने दी मीठी तान और गधे ने गाया गान.